हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल QFATE में। हाजिर हूँ एक नई वीडियो में नई जॉब वैकेंसी के साथ। तो अभी मैं मौजूद हूँ टाटा मोटर्स के स्टाफ बस के अंदर। अभी मैं जा रहा हूँ टाटा मोटर्स कंपनी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं बस के अंदर हूँ और टाटा मोटर्स बस चलने लगी है। बस अब मैं ये जो आप देख पा रहे हैं टाटा मोटर्स के अंदर का ही सीन है। अभी मैं कंपनी पहुँच गया हूँ। सबसे पहले अभी जाता हूँ कंपनी में, नाश्ता कर लेता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ आने वाली वैकेंसी के बारे में मैं पता करूँगा कि कब वैकेंसी होने वाली है कैसे। तो चलिए, जो भी जैसा भी अपडेट मिलता है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा वीडियो। जब भी वैकेंसी होगी, जब भी आने वाले समय में इंटरव्यू होने वाला होगा, आपको इस चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी आप फ़िलहाल आप देख लीजिए, ये है टाटा मोटर्स का कैंटीन। तो काफ़ी बड़ा कैंटीन है टाटा मोटर्स में। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया कि टाटा मोटर्स कैंटीन भी प्रोवाइड करती है। तो चलिए, अब आप देख भी लीजिए कि टाटा मोटर्स जो कैंटीन प्रोवाइड करती है तो कैसी प्रोवाइड करती है। अभी सुबह का टाइम है तो अभी तो सिर्फ नाश्ता मिलेगा, अदरवाइज़ आपको फिर आने वाले समय में खाने का भी वीडियो मैं दिखा दूंगा कि खाना आपको कैसा मिलता है टाटा कंपनी में। क्योंकि हमेशा यहाँ पे आना जाना लगा रहता है, तो आपको इस कंपनी की वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा। अब मैंने सोचा है कि आने वाले समय में कंपनी शॉप हैं, पेंट शॉप, TCS शॉप या वेल्ड शॉप या फिर पावर ट्रेन जहाँ इंजन बनता है, उनकी भी छोटी छोटी क्लिप अपलोड करूँ, ताकि आप जान पाएँ कि टाटा मोटर्स में जॉब कैसे करना होता है, यहाँ पे काम क्या होता है। अगर आप कभी भी इस तरह की कंपनियों में जॉब नहीं किए हैं तो आपको आसानी होगी समझने में। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं, कैंटीन काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी आ चुके हैं खाना नाश्ता करने के लिए। तो अभी सुबह का टाइम है, सबसे पहले कंपनी आकर लोग नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ नाश्ता करने के बाद जाते हैं पंचिंग करते हैं, फिर अपने ड्यूटी पे लग जाते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तो जैसा कि जो भी इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं आपको अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिएगा।